जरा पहले सबसे पहले बात करते हैं ये सतोगुण क्या होता है ना। तो सतोगुण को हम कहते हैं, सतोगुण वह होता है जिसमें कि प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है, ठीक है। प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश का मतलब वहां ज्ञान होता है। प्रकाश का मतलब क्या हुआ? ज्ञान होता है। और क्या है सतोगुण का? सतोगुण स्थिर होता है। क्या होता है? इस तरह की है ना। तो सतोगुण एक विशेष तरह का गुणों का समुच्चय है, हमने बताया। तो कौन से गुण उसमें होते हैं? ज्ञान होता है, स्फूर्ति होती है, प्रकाश होता है, स्थिरता होती है, चैतन्यता होती है। तो क्या हुआ? एक विशेष तरह की गुण सतोगुण है, ठीक है। रजोगुण क्या है? रजोगुण में चंचलता होती है। सबसे मुख्य फीचर, सबसे मुख्य विशेषता हम लोग कहते हैं कि चंचलता होती है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना आपस में बात करते हैं कि ये तो बहुत रजोगुणी है। रजोगुणी का मतलब, और कई बार ये भी कहते हैं कि बहुत राजसिक है। राजसिक मतलब बहुत सुविधा भोगी है, बहुत सारे संसाधन चाहिए इनको, बहुत सारा काम चाहिए इनको, नाम की यश की इच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम रजोगुणी कहते हैं। मनोगुणी जो सोता रहता है, काम करने का जी ही नहीं चाहता, आलसी। तो आलस्य जो है जड़ता, जिसको हम बोलते हैं जड़ता। जड़ता का मतलब कई बार कुछ लोग कहते हैं, कई लोग ये तो जड़ है, महाजड़ है, इसे तो बात ही मत करो, बेमतलब इससे मत बहस करो, ये तो एकदम जड़ है। तमोगुणी, तामसिक, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं ना। आपको अर्थ पता है? ऐसा नहीं है कि अर्थ पता नहीं है, अर्थ पता है, बस थोड़ा सा इसको समझना है। जड़ का मतलब है जिसके अंदर इनर्सिया हो। इनर्सिया का मतलब जैसे कहते हैं कि पेड़ पौधे जड़ है, ये भवन जड़ है। तो जड़ का मतलब क्या हुआ? ये इमूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकता, ये गतिमान नहीं हो सकता। ये अपने आप से गतिमान हो सकता है क्या? नहीं गतिमान हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं जड़, है ना। ये ऐसे ही हम लोग कई बार जब व्यक्तित्वों का क्लासिफिकेशन करते हैं योग के अनुसार, तो उसमें हम कहते हैं कि यह व्यक्ति सतोगुणी है, या व्यक्ति रजोगुणी है, या व्यक्ति तमोगुणी है। तो उसका आशय क्या होता है? उसका सतोगुणी का मतलब क्या हुआ? सतोगुणी का मतलब स्फूर्तिवान है, सजग है, सतर्क है। जैसे हम गाय को क्या कहते हैं कि गाय बड़ा सतोगुणी जानवर होता है ना, गाय बहुत सतोगुणी होती है। भैंस को हम क्या कहते हैं? तमोगुणी होती है। भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए, है ना। तो अब भैंस को हम क्या मानते हैं? तमोगुण का, कि इसमें तमोगुण ज्यादा होता है ना। तो ऐसे ही मनुष्यों में भी किसी में सतोगुण ज्यादा होता है, किसी में रजोगुण ज्यादा होता है, किसी में तमोगुण ज्यादा। यानी कि अगर आप सतोगुण को बढ़ाएं, सतोगुण को आप बढ़ा भी सकते हैं, जो प्रकृति में विशेष तरह के सतोगुणी पदार्थ हैं, तो सतोगुण इस प्रकृति में बाहर भी है और आपके अंदर भी है। यानी संपूर्ण प्रकृति में सतोगुण भी है, जो यहाँ हम बात समझाना चाह रहे हैं, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। अब स्पष्ट हुआ? रजोगुण का आशय यह होता है जो व्यक्ति बहुत चंचल होता है, जिसके अंदर ईर्ष्या की भावना होती है, ईर्ष्या, जो व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु होता है किसी के लिए, ठीक है। यश, नाम पाने की बहुत इच्छा होती है। तो अब यहां एक बात और समझ लेनी होगी कि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सतोगुणी है उसके अंदर से एकदम रजोगुण खत्म हो गया है। ये अलग बात है, किसी में सतोगुण ज्यादा होता है, रजोगुण कम होता है, तमोगुण उससे भी कम होता है, या तमोगुण बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा फिर रजोगुण होता है और थोड़ा सतोगुण होता है। किसी भी मनुष्य में तीनों गुण होते हैं। हाँ, ये अलग मनुष्य में भी, प्रकृति में भी है ना, सामान्य रूप से तीनों गुण होते हैं। तीनों गुण किसी भी क्रिया में काम करते हैं, सतोगुण भी, रजोगुण भी
तमोगुण भी। सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण अगर तीनों आपका आपके अंदर से, मान लीजिए आपके अंदर सिर्फ सतोगुण हो जाए तो आपको नींद ही नहीं आएगी। नींद क्यों आती है? नींद जो है वो तमोगुण आपके शरीर में जो होता है, जो तमस है ना, तम की विशेषता है आपके अस्तित्व में, वह नींद लाता है। अगर वह ना हो तो नींद नहीं आएगी। आपको जो इच्छाएं उठती हैं खाना खाने की, कपड़ा पहनने की, ये रजोगुण ना हो तो इच्छाओं का संचरण ही नहीं हो, इच्छाएं ही नहीं उत्पन्न हो। तो इसमें जो भी पदार्थ हैं, जो भी चीज़ हमें अपने चारों तरफ दिखती है, वह इन्हीं तीन तरह के